get your bathroom deep cleaned and be professionals. ओके गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनअकैडमी क्लास. हम लोग बस अभी एक ही मिनट में शुरू करने वाले हैं यहाँ पे. हाँ, सो जस्ट देखो, आपको कुछ बातें मैं यहाँ पे क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ. इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जस्ट जस्ट होल्ड अ मिनट गाइज. तो देखो, यहाँ पे क्या है कि अनअकैडमी अभी अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है. इसके पीछे रीजन ये है कि आप लोग देखो कि बहुत अफोर्डेबल है. कई सारे एजुकेटर की क्लास आप ले सकते हैं, क्विजेज हैं, डाउट क्लियरिंग है. और जो सबसे अच्छा तरीका आज के जमाने में अवेलेबल है वो है कि लाइव क्लासेस. तो आप लाइव क्लासेस देख सकते हो. लाइव क्लासेस आपकी ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उससे भी एक 10 times बेटर होती हैं. जिसमें आप सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आप ज्यादा पढ़ते हैं और आप अपने डाउट आसानी से पूछ सकते हैं. और आगे मैं कहूंगा आप लोगों को, ये जो चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको लगातार लाइव क्लासेस मिलेंगी. ये फ्री टू ज्वाइन होंगी और क्वालिटी मटेरियल आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा. और इसके अलावा अपने पास ये है कि आपको एक ही प्लान खरीदना है और आपको सारे सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे. जैसे आप एक प्लान आप प्लस प्लेटफॉर्म पे खरीदते हो तो आपको मैथ्स और इंग्लिश और जीएस सब तरह के टॉपिक आप लोग वहां पे पढ़ पाओगे. मैथ, इंग्लिश, जीएस, ये सब. और इसके अलावा ये होगा कि कितनी भी बार आप क्लासेस देख सकते हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियोज आप देख सकते हैं, क्विज आप दे सकते हैं. और सबसे बड़ा होता है कि आप डाउट क्लियरिंग काफी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लर्निंग में. और अनअकैडमी आपको डाउट क्लियरिंग के 100% चांसेस आपको प्रोवाइड करती है. बाकी आप देखोगे ऑफलाइन में हो या फिर इतना आप सवाल नहीं पूछ पाते हो जितना आप यहाँ पे आप सवालों को पूछ सकते हैं. और इसमें आप लोगों को सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी. पूरे बैच आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे, पीडीएफ होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे. तो यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एनी सब्जेक्ट, जो भी आपको चाहिए होता है. और आप लोग मेरा जो प्लान है वो, उसके लिए मैं आपको कोड बता देता हूँ. 3 months के लिए आपको 2700 पे करने होते हैं. ये डिस्काउंट के बाद होता है ऐसा. और इसमें ये होता है कि आपको जो 10% डिस्काउंट मिलता है वो इस कोड से आपको मिलेगा. तो आप अगर ये कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा अनअकैडमी पर. आर है आखिर में ना. और मैं कहूँगा जिन बच्चों ने तैयारी पहले कभी नहीं की है, कोचिंग वगैरह नहीं की है, आप 5400 में आप पूरे साल का प्लान बाई कर सकते हो सेम कोड. और इसमें ये नहीं है कि केवल आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको मैथ्स, जीएस और इंग्लिश में भी आप दो या तीन से उससे भी कहीं ज्यादा फैकल्टी से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. तो चलिए हम लोग क्लास अपनी शुरू करते हैं यहाँ पे. और आज की क्लास का अपना जो टॉपिक है वो अपने पास है कि पैराजंबल. हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. वेलकम रजत एंड वेलकम किरण, गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो देखो, पैराजंबल हम लोग कैसे सोल्व करें ये हम लोग अभी क्लास में जानेंगे यहाँ पर. तो देखो, पैराजंबल में क्या होता है, आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है. जिस भी सीक्वेंस में वो दिए होते हैं तो आपको रीअरेंज करने होते हैं पैराजंबल में सेंटेंसेस को. जैसे मान लो कि आप इनको PQRS भी बोलते हैं, ABCD में भी रखते हैं. तो कोई भी एक सेंटेंस है उसमें अलग अलग सीक्वेंस आपको दी होती है. पूरे पैराग्राफ के अलग सेंटेंसेस को अलग करके लिखा जाता है और आपको जो करेक्ट सीक्वेंस होती है वो पता लगानी होती है यहाँ पे पैराजंबल में. अब आप लोगों को करना कैसे है उसको ना, तो करेक्ट सीक्वेंस आपको पता लगानी है कि कौन सी सीक्वेंस सही है और किस सीक्वेंस से एक मीनिंग फुल सेंटेंस बन सकता है. तो चलिए हम लोग यहां पे देखते हैं इसमें. तो मैं आपको यहां पे जो स्टेप्स होती हैं वो सारी लिख देता हूं, अच्छे से आप यहां पे समझना. तो देखो, जो स्टेप 1 होती है आपको PQRS में या फिर इसमें
पैराजम्बल में हम लोग कहेंगे, रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, अलग अलग नाम है इनके। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द फर्स्ट सेंटेंस, कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा ये आपको पता लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस ये कैसे पता लगाओगे आपकी पहला सेंटेंस कौन सा है? तो देखो, इसको पता लगाने का तरीका जो होगा वो ये होगा कि सेंटेंस जिसमें कोई लिंक नहीं दिया है, अगर कोई लिंक दिया हो तो वो पहला नहीं होगा, उसमें कोई लिंक नहीं होगा। सब्जेक्ट खास करके ये होता है कि जिसमें नाउन बिना द आर्टिकल के आता है, तो नाउन का जब पहली बार जब जिक्र होता है कहीं पे वो हो जाएगा, या फिर कोई भी जनरल स्टेटमेंट हो सकता है। आपको ज्यादातर मदद तो इसी से मिल जाएगी, नो लिंक से मिल जाएगी, या फिर आप एक तरह से ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में आप देख लीजिए कि पहला सेंटेंस कौन सा है। कई बार क्या होगा, आप देखोगे कि जैसे मान लो कि एबीसीडी आज यहाँ पे है, तो ए सी डी बी इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए बी डी सी जो भी है, और यहाँ पे सी ए डी बी, अगर मान लो आपको जैसे सी बी ए डी, ये ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको पता है कि पहला सेंटेंस ए या फिर सी में से कोई होगा। तो आपको ऑप्शन से भी हिंट मिल जाती है कई बार, हर बार अगर अलग होता है तो देखो कोई हिंट नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग शुभम, तो ये वाला पार्ट आपको पहला सेंटेंस पता लगाना है। स्टेप टू क्या होगी आपकी, जब आप पहला सेंटेंस पता लगाते हो, लुक एट ऑप्शंस, कि ऑप्शंस में आप देखो कि केवल आप ऑप्शंस देखो कि आपके अनुसार जो पहला सेंटेंस आया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से सेंटेंस से सही वो सेंटेंस शुरुआत हो रही है उसकी। तो आपका काम यहीं पे हो जाएगा। देखो, आपको जो 20 सवाल पूछे जाएंगे उसमें 15 सवाल तो आपके इसी तरह से सोल्व हो जाएंगे कि आपको पहला सेंटेंस पता लगाना है बस, और फिर ऑप्शंस आपको देखने हैं। अगर आपको ऑप्शंस कंफ्यूजिंग लगते हैं तो उसमें स्टेप थ्री अपने पास हो जाएगा, एस्टैब्लिश लिंक्स, कि आपको एस्टैब्लिश लिंक्स आपको एस्टैब्लिश करने हैं। कि लिंक्स का मतलब ये है कि जैसे ए और बी में कोई कनेक्शन है तो वो देखना है, ए डी में कोई कनेक्शन है, सी बी में कोई कनेक्शन है, कोई भी दो सेंटेंस ये कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं देखना है एनी। तो इसमें जो लिंक वर्ड होते हैं वो आपको मदद करेंगे। कैसे पता चलेगा लिंक वर्ड्स? तो देखो, लिंक वर्ड अपने पास दो तीन तरह के होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। हमारे पास जो लिंक वर्ब होते हैं, वर्ड होते हैं, वो खास करके एडिशन के लिए आते हैं, कि एडिशन हो रहा है उसमें, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, या फिर सिमिलर बताया जा रहा है, सिमिलर टू। तो तीन तरह के वर्ड आते हैं, तो आपको इससे गाइड मिल जाएगी कि एडिशन के लिए कौन से वर्ड हैं, कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन से, सिमिलर टू के लिए कौन से हैं। तो ये वर्ड आपके काफी हेल्प करेंगे। हाँ, ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना पहला पहला सवाल आप लोगों के पास है। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा एक्सरसाइज करते हैं, और आप लोग इसमें सोच समझ के पढ़ के आंसर दो, और फिर जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ वो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो। उसका फायदा ये होगा कि आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि किस तरह से आपको सवाल करना है। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे एक मिनट का टाइम यहाँ पे मैं देता हूँ आपको, और उसके बाद मैं इस सवाल को डिस्कस करूँगा। विजिबल है ना सब? हाँ, ओके, नाउ थिंग्स आर विजिबल टू यू। देखो, ये सवाल बहुत ही इजी था, इसमें आसानी से आप लिंक देख के कर सकते हो। हाँ, ओके, गुड मॉर्निंग फैजान एंड अभिषेक, वेलकम गाइस, वेलकम शांतनु। तो यहाँ पे सब लोगों ने ए ऑप्शन आंसर किया है। तो देखो, ये सवाल का लेवल हम लोग कहेंगे कि बहुत इजी है ये, और इजी क्यों होगा, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे। आप लोग सवाल को बिना पढ़े भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग शशि, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, वो आप यहाँ पे देख लेना। देखो, जैसे पहला आपने पास दिया है, यहाँ पे लिंक वन दे है, लिंक टू यहाँ पे ऑल्सो दिया है। अच्छा, ओके, प्रदीप 100% श्योर है। हाँ, यस प्रदीप, बी में आप देखोगे कि यहाँ पे फाइनली लिखा है, इसमें
और सी की अगर बात करें तो अगेन दे फर्दर एडवाइस हो गया। तो यहाँ पे दे किसके लिए आया, तो तीनों जगह पे लिंक अपने को तीनों में यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को, और इससे क्या पता लग रहा है अपने पास, अभी जो ऑप्शन है मिनिमलिस्ट बिलीव दैट क्लटर कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट प्रीसियस स्पेस, कि मिनिमलिस्ट ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें अगर हो, क्लटर का मतलब होता है, क्लटर होता है कि बहुत ज्यादा चीजें होना, इससे काफी परेशानी होती है और जगह भी आपकी वो हो जाती है। तो इसमें आप ये देखोगे कि डी ऑप्शन फर्स्ट सेंटेंस है अपने पास, क्योंकि इसमें कोई लिंक आपको नहीं मिला है, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। और जो अगर डी से शुरुआत करेंगे तो अपने पास दो ही ऑप्शन बचे, ये वाले ऑप्शन हम लोग नहीं करेंगे उसके बाद ना। तो देखो ये मानते हैं बिलीव, और यहां पे लिखा है ऑल्सो बिलीव, तो आप लोग यहाँ पे डी और ए का लिंक आप स्टेब्लिश कर सकते हो, और डी में देखो लिखा है बिलीव और ऑल्सो बिलीव, तो इसको हम इसके बाद करेंगे यहां पे ना। हाँ सी बी कट हो गया, यस, तो ऑप्शन अपने पास हो जाएगा डी ए सी बी, आप इससे कर सकते हो बिलीव और ऑल्सो बिलीव। तो देखो ऑल्सो क्या काम करता है अपने पास, एडिशन का काम करता है, और आप लोगों को ये देखना है कि ऑल्सो में जो बात लिखी है वैसी बात कहाँ पे लिखी है, वो सेंटेंस के बाद ही आएगा। तो चलिए हम लोगों ने पहला सवाल यहाँ पे किया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और मैं फिर आपको एक मिनट का टाइम यहाँ पे देता हूँ, आप आराम से पढ़ो और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको ना। हाँ आई थिंक ये सवाल भी काफी आसान लग रहा है, आप करिए इसमें क्या होगा, ये सवाल मेंस में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे। यस किरण सी भी कट हो जाएगा उसमें ना। हाँ एट्थ क्लास में है, यू कैन एक्सप्लेन। हाँ ठीक है, ओके गाइस। तो देखो यहाँ पे अगेन अपने पास काफी हिंट यहाँ पे आपको मिल रही है कि इसमें सबसे पहले हिज डेथ लिखा है, ही डाइड यहाँ पे लिखा है, अगेन ही हैड गोन लिखा है, ही हैड गोन मिसिंग। तो आप देखोगे कि ए सी और डी ऑप्शन तो पहला सेंटेंस नहीं होगा, पहला सेंटेंस अपने पास केवल बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे बी अपने पास दो जगह पे दिया है, बी ए डी सी एंड बी सी डी ए, ये ऑप्शन अपने पास आंसर नहीं होंगे। अब आपको इनके हिसाब से देखना है कि एडगर एलन पो वाज ए फेमस अमेरिकन ऑथर, ऑथर थे ये काफी बड़े, और उनकी डेथ से काफी एक स्पेकुलेशन हुआ, स्पेकुलेशन हम लोग कहते हैं, गेस को हम लोग कहते हैं, और कुछ ही दिनों बाद बीइंग फाउंड ही डाइड मिस्टीरियसली ऑन अक्टूबर 7, 1849। यहाँ पे लिखा है देखो, ही हैड गोन मिसिंग ऑन अक्टूबर 3, 1849 एंड वाज फाउंड ए फ्यू डेज लेटर, कि वो गायब हो गए थे 3 अक्टूबर को और उनके कुछ दिन बाद वो मिल गए थे, लेकिन मिलने के कुछ ही दिन बाद। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अपने पास लिंक इसमें है, डी और सी में यहाँ पे लिंक है, मिल गए थे और मिलने के कुछ ही दिन बाद उनकी डेथ हो गई, तो डी और सी का कनेक्शन है आपस में, और ये जो उल्टा लिखा है यहाँ पे ना, सी डी लिखा है, तो ये ऑप्शन हम लोग आंसर नहीं करेंगे। ओके चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं, बहुत आगे तक जाओगे ना। ओके चलिए आप ये वाला सवाल करिए, इसमें आंसर देखिए क्या होगा।
आंसर यहाँ पे रजत ने बी लिखा है। और सनी आपने कोई सवाल पूछा था क्या? तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सवाल, और बाकी एक दो आंसर और आ जाते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं आंसर्स को। अरे गुड फैजान, तो यहाँ पे आप देखिए इसमें लिखा है बट टुडे। तो आप लोग देखोगे कि जैसे पहला सेंटेंस दिया है बट टुडे, तो बट कभी, बट हमेशा क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए आता है, किसी के बाद आएगा, तो ये पहला सेंटेंस तो नहीं होगा। अंटिल अबाउट टू वीक्स अगो, दो दशक से पहले की बात है, बिकमिंग केयरफुल अबाउट शुगर वॉज ओनली फॉर डायबिटीज या डायबिटिक्स, तो केवल ये जो प्रॉब्लम होती थी किसी को, इसी के लिए शुगर के बारे में सावधानी बरती जाती थी दो दशक पहले। लेकिन आज क्या हो रहा है, आजकल हर कोई जो है वो यंग पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कटिंग डाउन ऑन इनटेक ऑफ शुगर। कट डाउन ऑन, देखो एक फ्रेजल वर्ब होती है अपने पास कट डाउन ऑन, और कट डाउन ऑन का मतलब होता है अपने पास रिड्यूस करना, इसको रिड्यूस करने के लिए कहते हैं। दस गोइंग जीरो ऑन शुगर इज फास्ट बिकमिंग ए पॉपुलर ट्रेंड फॉर ऑल, और इसीलिए भाई शुगर का लेवल आपको जीरो करना है, एक ये पॉपुलर ट्रेंड बनता जा रहा है सब लोगों के लिए बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड। तो देखो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि दिस ट्रेंड लिखा है, दिस ट्रेंड इसमें इसको रेफर करेगा, और अपने पास ये रहेगा कि सी के बाद हम लोग डी का यूज करेंगे, तो ये एक लिंक यहाँ पे सी और डी में आपको स्टेब्लिश हो रही है। बी वाले पार्ट में कोई लिंक नहीं है, तो आखिरी ऑप्शन है जिसमें केवल बी पहला सेंटेंस दिया है, आसानी से आप इसको कर सकते थे। सारे लिंक लग रहे हैं। देखो यहाँ पे ये लिंक नहीं है इसमें ना, दो दशक पहले तक अंटिल अबाउट, तो अंटिल अबाउट वाला ये लिंक नहीं है इसमें ना, अंटिल यहाँ पे टाइम के लिए यूज किया है, वो कंडीशन वाले नहीं है। दो दशक पहले तक शुगर को लेके केयरफुल होना वो अकेला केवल डायबिटिक्स के लिए होता था, लेकिन आज तो देखो टू डिकेड्स अगो पहले आएगा और आज है वो बाद में आ जाएगा, इसमें कोई लिंक नहीं है यहाँ पे ना। अगर देखा जाए तो बी में कोई लिंक नहीं है, टू डिकेड्स अगो, और फिर अपने पास हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, टुडे, फिर टुडे आ जाएगा, और फिर आगे लिखा है ऐसा क्यों हो रहा है, इसका नतीजा है कि टी एच यू एस, और फिर लास्ट में लिंक है दिस ट्रेंड। तो चलिए आप लोग अगला सवाल करिए। अभी पढ़ लिया तो समझ आ गया, ओके गुड। देखो समझना तो एक अल्टीमेट आपको जरूरत है इंग्लिश में। चलिए आप अगला सवाल करिए यहाँ पे, इसमें कौन सा आंसर हम लोग करेंगे। ये इजी था, इसमें आई थिंक स्टोरी टाइप था, आसानी से आप पढ़ के कर सकते थे। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या ऑप्शन आंसर होगा। आई थिंक शशि, किरण और फैजान ने आंसर किया है, आप तीनों का आंसर सही है। देखो इसमें क्या है, लिखा है कि द होम दिन, उस समय, तो दिन यहाँ पे एक टाइम को रेफर कर रहा है कि उस समय ऐसा हुआ करता था। ही स्टेट्स, तो यहाँ पे ही भी अपने पास लिंक है, प्रोनाउन है, ये रेफर कर रहा है किसी को। अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया, गौतम भाटिया के अनुसार ये एक लीडिंग आर्किटेक्ट है, वी नीड टू ब्रिंग अबाउट ए रेडिकल चेंज इन आवर मॉडल ऑफ हाउसिंग, कि हमारा जो घर बनाने का जो तरीका है उसमें हमें काफी बदलाव लाने होंगे। और ये लिखा है कि क्यों वो बदलाव लाने होंगे, और यहाँ पे आप एक मिनट डी वाला और देख लो, कि डी में लिखा है कि 70 साल के बाद जब 100 गुना हमारे यहाँ पे जो शहर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है, डेंसिटी उसकी बढ़ गई है,
लैंड वैल्यू जो है वो भी बढ़ गई है। तो अभी भी हम लोग पुराने आउटमोडेड मॉडल को ही काम में लेते हैं। अब आप देखोगे कि सी में कोई लिंक नहीं दिया है, ये अपने पास रेफर कर रहा है कि 70 साल के बाद भी, तो सी अपने पास पहला सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पे सी दो जगह पे पहला सेंटेंस है, यहाँ पे अपने पास लिखा है कि वो ये कहता है कि वी नीड टू ब्रिंग अबाउट ए रेडिकल चेंज, कि हमें एक रेडिकल बदलाव लाना होगा, एक बड़ा बदलाव लाना होगा। और क्यों वो लाना होगा तो उसके लिए बता रहा है यहाँ पे। तो बी से हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, फिर ए और डी। देखो बी में ये बताया है कि पुराने जमाने में मकान होते थे वो बंगलो मॉडल पे निर्भर करते थे, और बंगलो क्या होता था, सिंगल स्टोरी होते थे, चारों तरफ दीवारें होती थी। आज 70 साल बाद जब चीजें काफी बदल गई हैं तो हमें उसमें रेडिकल चेंज लाना होगा। और यहाँ पे एक और देखो, ये जो आपके पास यहाँ पे आप ये देख रहे हो फ्रेजल वर्ब का यूज, ये जो फ्रेजल वर्ब का यूज है ये आपको काफी हेल्प करेगा ब्रिंग अबाउट। तो देखो ब्रिंग अबाउट एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो बच्चे नहीं याद कर पाते हैं, जिसमें गलतियां होती ही होती हैं। इसका मतलब होता है टू कोज ए चेंज, कि बदलाव लेके आना, इसका मीनिंग हो जाएगा टू कोज ए चेंज, बदलाव लेके आने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं यहाँ पे क्विकली, और आप लोग भी कोशिश करो। सबसे पहले पहला सवाल आइडेंटिफाई करो, मैं आपको एक बार स्टेप फिर बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे पहला सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको ऑप्शंस देखने हैं, और ऑप्शंस के बाद आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो लिंक स्टेब्लिश करनी है। और अगर आप ये मान चाहते हो कि आपकी 100% एक्यूरेसी हो और आपको लगता है कि आंसर बी होगा, तो बी में जो भी ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे ए बी डी सी जो भी ऑप्शन दिए हैं, उनको वेरीफाई करो। और वेरीफाई करने का मतलब है कि इसी सीक्वेंस में आप पढ़ लीजिए एक बार उसको ना, उस सीक्वेंस में जाके जो आपको आंसर लग रहा है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है या नहीं है। अगर कुछ डाउट होगा तो आप उसको फिर से आप देख सकते हो बाकी ऑप्शंस को। तो चारों चीजें करिए, आपको सवाल काफी जल्दी ठीक होंगे और आपकी एक्यूरेसी है वो भी काफी बढ़ जाएगी उसके बाद, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे। तो चलिए एक और सवाल है, काफी इजी लग रहा है ये, इसको क्विकली आप लोग आंसर कर दीजिए। नहीं किरण, हम लोग इसमें सी ही करेंगे यहाँ पे ना, मैं बता देता हूँ क्यों करेंगे। चलो आप लोगों ने आंसर दे दिया, क्विकली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा है दीज ट्राइब्स, ये जो ट्राइब्स हैं ये मानती हैं, तो यहाँ पे कौन सी ट्राइब्स आपको पता लगाने। टुडे लैंग्वेज कॉल सच ए लैंग्वेज एन आइसोलेटेड लैंग्वेज, तो यहाँ पे देखो सच जो होता है ना, सच का जो यूज होता है रेफरेंस के लिए किया जाता है, सच किसी ना किसी चीज को रेफर करता है। ये सेम सेंटेंस होगा तो पहले भी आ सकता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल सेंटेंस है तो किसी सेंटेंस के बाद ही आएगा। और सी ऑप्शन अगर हम लोग देखें, जूनी इज ए लैंग्वेज स्पोकन ओनली बाय जूनी ट्राइब्स, केवल यही बोलते हैं। एंड इट इज रिमार्केबल दैट दीज ट्राइब्स, अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें भी लिंक दिया है, तो यहाँ पे आपके लिए पता लगाना फर्स्ट सेंटेंस काफी आसान है कि फर्स्ट सेंटेंस होगा अपने पास सी ऑप्शन। और आप ऑप्शन अगर देखते हो तो उसमें ये पता लगेगा कि केवल सी ही ऐसा है जिसमें पहला सेंटेंस सी दिया है, सी ऑप्शन में केवल सी दिया है, बाकी ऑप्शन है ही नहीं। तो इस सवाल को हम लोग कहेंगे इजी, और आप लोग इसके बाद एक बार ऐसा जरूर कर लेना, जैसे आपने ये देखा कि सी ऑप्शन हो गया आंसर, तो फिर आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने का मतलब है पहले मैं सी को पढ़ूंगा, फिर ए पढ़ूंगा, फिर डी और फिर बी, इस तरह से मेरे को इसी सीक्वेंस में इनको रीड करना है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और क्विकली आप कोशिश करिए जल्दी से पढ़ के आंसर करने की, और देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। एंड आई थिंक ज्यादा मुश्किल सवाल यहाँ पे नहीं है, और आप लोग ये भी देखोगे कि ये सवाल आपके मेंस में पूछे गए हैं, ये सीजीएल 18 मेंस के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ज्यादा इजी सवाल कर रहे हैं, एग्जाम लेवल हम लोग एग्जैक्टली एग्जाम लेवल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 47 में क्या होगा, अरे वह काफी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे ना। गुड मॉर्निंग बसंत, वेलकम।
वेरी गुड। ओके तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, अभी इसको सोल्यूशन करते हैं। सब लोगों ने आई थिंक सही आंसर किया है, वेरी गुड गाइस। यहाँ पे आप देखो कि द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इज टू होल्ड समवन्स हैंड व्हेन यू व्हेन दे मोस्ट नीडेड। तो देखो सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप किसी का हाथ थामते हो जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पे कोई लिंक दिया है इस सेंटेंस में, कोई लिंक नहीं दिया है। Also jotting down, तो यहाँ पे also अपने पास link दिया है, तो jotting down, writing down, putting down, तो ये इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो देखो jot down जो होता है इसका मतलब होता है कि note down करना, और इसी का मतलब हम लोग put down भी कहते हैं, कि put down का भी same meaning होगा और write down का भी same meaning होगा। तो ये चार अपने पास phrasal verb होते हैं जिनका same meaning होता है। Jotting down notes for your seniors on word rounds is probably not the most important thing. तो आप अपने seniors के लिए आप notes write down करते हो तो वो भी कोई जरूरी चीज नहीं है। देखो also दिया है, आपको also में ये बात ढूंढनी है कि ये जरूरी नहीं है, और कौन सी बात जरूरी नहीं है वो आपको देखनी है। C में लिखा है मेरा जो पहला साल था as a doctor in the UK is over, वो पूरा हो चुका है, and this is what I have learned, और ये जो बातें अब ये बताने वाला है ये उन्होंने सीखी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज व्हाट आई लर्न, तो ऐसा मत देख लेना कि ये लिंक है, यहाँ पे लिंक नहीं है। इसके बाद जो बातें बताने वाला है वो इन्होंने सीखी है। सबसे पहली बात इन्होंने सीखी है नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स यू, कि जो भी आपको ये बात मायने रखती कि नहीं रखती कि कोई आपको क्या बताता है, राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल डू टूडे। तो ये जरूरी नहीं है, ये डिस्चार्ज समरी लिखना जरूरी नहीं है, ये वाली चीज भी जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। तो हम लोग सीक्वेंस क्या करेंगे, जैसे सी ऑप्शन लिखेंगे, उसके बाद इसमें लिखा है इन्होंने डी और बी में, ये दोनों पार्ट आपको नहीं करने हैं, ये ए में लिखा है, फिर उसके बाद ये आपको करना है। तो देखो ये हिंदी फिल्मों के डायलॉग की तरह है, जैसे 9 o'clock को फ्री रहते हो तो 9 o'clock वीडियो डालो। हाँ फैजान, अभी मैं कुछ दिन के लिए फ्री नहीं हूँ, 9 o'clock जैसे ही मैं भी फ्री हो जाऊंगा तो आई विल डू दैट। चलिए अगला सवाल करते हैं, आई होप ये आपको क्लियर था सभी को। अगला सवाल आप देखिए, इसमें क्विकली कोशिश करिए करने की क्या आंसर होगा। पहला सेंटेंस पता करिए, ऑप्शंस देखिए, आंसर करिए, उसके बाद ना जो भी कंफ्यूजन होता है उसको वेरीफाई करो। अरे उनका भाई 8th में है ना, फैजान आपका भाई 8th में है ना, आई थिंक ऐसा ही लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या लिखा था आपने। अच्छा आप 8th में हो, ओके फैजान, वेरी गुड, ओके ओके, कोई नहीं रजत। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आप यहां पे देखो इसमें क्या दिया है, ये जो सेंटेंस का पार्ट है इसमें एक जनरल बात इन्होंने कही है, उसके बाद एक उदाहरण दिया है। तो जैसे सबसे पहला सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि देयरफॉर का यूज यहाँ पे जो किया है वो देयरफॉर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है, तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा ये। एक कार्डियक अरेस्ट एज इज वेल नोन नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट्स, कि कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को होता है, दौरा अगर किसी को पड़ता है दिल का दौरा, तो उसको 4 मिनट के अंदर आपको जरूरत होती है डॉक्टर की। तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है, इसमें कोई लिंक नहीं दिया है। सी में लिखा है एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है हमारे द्वारा इंडिया में इज वेदर, कि क्या वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन एमरजेंसी, क्या हमें समय पे हेल्थ केयर इलाज मिल जाता है एमरजेंसी के दौरान। तो इसमें भी कोई लिंक नहीं दिया है, ये भी पहला स्टेटमेंट हो सकता है।
और नीचे लिखा है यहाँ पे बट इवन इन दिल्ली, कि दिल्ली में भी ऐसा होता है द कैपिटल सिटी ए पेशेंट डज नॉट गेट इमरजेंसी केयर। तो यहाँ पे कि दिल्ली में भी आपको इमरजेंसी केयर नहीं मिलती है, तो बाकी जगह के तो आप भूल ही जाओ। हाँ तो यहाँ पे आंसर अपने पास होगा देखो सी या बी में से कोई होगा, ए ऑप्शन तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा, तो ए को तो हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। बी सी ए डी, सी डी ए बी या फिर सी बी ए डी होगा। अब आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि क्या एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्या हमें सवाल मिलता है वो सॉरी हेल्थ केयर मिलती है समय पे, क्या समय पे इलाज मिलता है। बाद में यहाँ पे आप देखोगे बी ए और डी में एक जैसी बातें इन्होंने की है, बी ए और डी में। बी में लिखा है कि कार्डियक अरेस्ट में आपको 4 मिनट में आपको इलाज की जरूरत होती है, इसीलिए देयरफॉर, तो देयरफॉर का यूज इन्होंने बी के बाद किया है। बी में एक बात कही है कि इसमें 4 मिनट में आपको इलाज चाहिए, और ए में लिखा है इसीलिए आपको एडवांस एम्बुलेंस की जरूरत होती है। लेकिन और ये जो बात है ये कॉन्ट्रास्ट इन्होंने लास्ट में किया है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी बी ए डी। ओके ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी अगला सवाल करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, क्विकली पहला सेंटेंस आइडेंटिफाई करो और देखो क्या आंसर होगा, ऑप्शंस आप उसके बाद देखो, ऑप्शंस के साथ मैच करो। एंड आई थिंक ये सबसे इजी है अब तक का ना, मुझे लग रहा है अब तक का सबसे इजी सवाल है, तो देखते हैं कौन कितना जल्दी यहाँ पे आंसर करता है। ओके यस वेरी गुड गाइस, इसमें सी ऑप्शन आंसर होगा, बहुत सही किया शशि एंड किरण। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, इससे अगली चीज क्या होगी, तो नेक्स्ट से पहले तो आपको पता लगाना है क्या होगा, दिस ड्राई लेसन, ये जो ड्राई लेसन है तो दिस कौन सा लेसन है ये आपको देखना है यहाँ पे। द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्ट्स विद इन विद ए 30 मिनट लेसन, कि ये 30 मिनट लेसन के साथ स्टार्ट होता है, ऑन टीचिंग बेसिक स्किल्स आउटसाइड वाटर, कि आपको बेसिक स्किल्स सिखाई जाती है पानी के बाहर, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। और फिर यहाँ पे फाइनली, तो इसमें आप देखोगे कि ये फाइनली वर्ड यूज किया है, अब पहला सेंटेंस अपने को पता लग गया है केवल सी होगा क्योंकि इसमें फाइनली आया है, यहाँ पे दिस आया है, इसमें नेक्स्ट आया है, तो ये जो ऑप्शन है अपने पास बी और डी ऑप्शन आप हटा सकते हो, अब सी बी ए डी या फिर सी ए बी डी होगा। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है कि आपको पानी के बाहर ये चीजें सिखाई जाती है, और इस लेसन के बाद आपको जो गियर है वो आप पहनते हो, देन एंटरिंग शैलो वाटर्स टू प्रैक्टिस बेसिक स्कूबा ड्राइविंग स्किल। तो आपको देखो 30 मिनट पानी के बाहर सिखाया जाता है, फिर आप पानी के अंदर जाते हो, और फिर आपको क्या होता है स्टेप बाय स्टेप आपको शैलो वाटर से आपको ग्रेजुअली गाइड किया जाता है इन सेफ एरियाज, और लास्ट में ये होता है आखिरकार सबसे जरूरी बात यह है कि जो गाइड है वो आपके साथ रहता है हमेशा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते थे, ज्यादा मुश्किल नहीं था। वेरी गुड, तो इसमें हम लोग आंसर जो करेंगे वो होगा अपने पास ए ऑप्शन होगा गाइस ना, सी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे ना, ए ऑप्शन होगा इसमें। देखो यहाँ पे तो क्लियर लिखा है कि आपको 30 मिनट का एक सेशन होता है, पानी के बाहर ही चीजें सिखाई जाती हैं, फिर आपको गियर आप पहनते हो, पानी के अंदर जाते हो, और फिर आपको शैलो वाटर से थोड़ा सा सेफ एरियाज में आपको ले जाया जाता है, और लास्ट में इस तरह से हो जाएगा। सी के बाद बी भी हो सकता है, हाँ सी के बाद बी दिया है वहां पे ना, बसंत सी के बाद बी तो दिया है, सी ऐसा होगा। देखो ये लेसन यहां पे लिखा है ना, लेसन तो लिखा है, ये लेसन यही है दिस ड्राई लेसन, तो सी के बाद बी आया है, सी बी ए डी, बी पहले नहीं आएगा, सी बी ए डी आया है आंसर ना। चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप इसमें करिए। हाँ, इसमें आप देखो यहाँ पे क्या होगा, काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचने वाला है। ओके, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे रजत और इन्होंने आंसर किया है कोंडापल्ली, चकोल आ गई थी। ओके, तो देखो इसमें लिखा है डिस्पाइट दिस ही वाज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क। तो देखो डिस्पाइट दिस लिखा है और ही लिखा है, ऐसा होने के बावजूद वो डेलीगेट करता था काम। डेलीगेट करने का मतलब होता है कि काम किसी और को सौंपना, है ना, और तो किसी को काम किसी और व्यक्ति को सौंप देना, किसी से करवाना, डेलीगेट करना होता है किसी से करवाना। तो ये अपने पास इसका मीनिंग हो जाएगा, किसी से करवाना। नो वंडर हिज फिल्म्स वर यूनिवर्सली acclaimed, कि इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, उनकी फिल्मों को पूरी दुनिया में उनको सराहा गया, acclaim किया गया। इस सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलली हिज फिल्म, कि वो खुद ही की फिल्म होती थी। तो सी में कोई लिंक आपको यही नहीं, कोई लिंक नहीं दिया है। इवन आफ्टर डेलीगेशन, तो देखो यहाँ पे इवन आफ्टर डेलीगेटिंग, वो डेलीगेट करता था, डेलीगेशन के बाद भी वो शामिल रहता था उस चीज में, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। तो यहाँ पे आपने देखा पहला सेंटेंस तो सी होगा और दूसरा ए के बाद डी आएगा, ए पहले आएगा डी बाद में आएगा, और बी का यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक अपने को नहीं मिल रहा है कहाँ पे आएगा, तो आप ऑप्शन देख के कर सकते हो। पहला आपके पास सी ऑप्शन होगा तो आप बी और सी को हटा सकते हो, सी बचा, और अब दूसरे में अपने को पता है पहले ए आएगा फिर डी आएगा, वो डेलीगेट करता था और फिर भी वो शामिल रहता था उसमें, तो सी ए डी बी अपने पास आंसर हो जाएगा। ओके, बाय फैजान। चलिए आप अगला सवाल यहां पे करिए, 115। क्विकली आप अपना टाइम लीजिए और देखिए क्या होगा, आप बड़ी आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग, आप लोग आंसर कर दीजिए एक बार ना यहाँ पे इस सवाल का, फिर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन लिंक यहाँ पे साफ साफ आपको लिंक यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, वेरी गुड शशि, किरण एंड कंडापल्ली। आंसर आप लोगों ने जो दिया है वो मैं बता देता हूँ। हाँ, सही है। तो आप पहले देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा और क्यों होगा। देखो शुरुआत में यहाँ पे लिखा है इसका जो चीफ फीचर होता है, जो इसका जो मुख्य फीचर है, इट्स किसके लिए रेफर किया है, आपको ये देखना है यहाँ पे ना। इसमें एक लिंक अपने को दिया है, आगे लिखा है ए हुडनिट इज ए काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी मेड फेमस बाय अगाथा क्रिस्टी, एक उस तरह की कहानी है जो अगाथा क्रिस्टी के द्वारा फेमस की गई थी। दस, तो देखो ये दस, ये भी एक लिंक है अपने पास, एज द रीडर गोज अलोंग ही और सी टेक्स नोट्स ऑफ द क्लूज, डिड्यूसेस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल बिफोर द क्लाइमेक्स।
अब आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि बी है वो पहला सेंटेंस हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, और इसमें सी और डी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब अपने पास बचा बी, ये दो ऑप्शन बचे। अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें बी डी ए सी करेंगे या बी ए डी सी करेंगे। तो अब आप देखो कि इसमें लिखा है कि ये कुछ तरह की स्टोरी है, स्टोरी के लिए इन्होंने इट्स का यूज किया है। तो आप ये वाली लिंक भी आप स्टेब्लिश कर सकते हो कि बी के बाद ए आएगा और ऑप्शन आंसर जो होगा वो बी होगा। काफी लोगों ने आंसर बी किया है, वेरी गुड। ओके दैट्स ट्रू। तो चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। काफी लोगों ने यहाँ पे सही किया है, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। और नहीं तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की कोशिश करते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो और आप हर एक लिंक हर तरह से हर एंगल से सोच सको। और पैराजम्बल पीक्यूआरएस ऐसे सवाल होते हैं जिसमें गलती आप लोगों को नहीं करनी है कोई भी ना, तो पहले से ही आप अच्छी प्रैक्टिस रखो, हर एक एंगल से सोचो। ठीक है, ठीक है रजत, आई थिंक कल परसों की जो क्लासेस हैं, गाइस कल सुबह भी क्लास होगी मेरी यहाँ पे 11 बजे और परसों भी क्लास होगी 11 बजे। तो दोनों क्लासेस यूट्यूब पे लाइव रहेंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मुझे कल और परसों ना। अरे तो अच्छा, ये यहाँ पे इसके बाद है, तो आप लोग आंसर कर दो इसमें क्या होगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अरे वेरी गुड कोंडापल्ली, गुड शशि, वेरी गुड शशि, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए एक हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके चीजों को। गुड, तो देखो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स वाज 4 फीट लॉन्ग एंड ऑलमोस्ट 6 इयर्स ओल्ड, कि एक जो क्रोकोडाइल था वो 4 फीट लंबा था और 6 साल उसकी उम्र हो गई थी। वेरी गुड मनुराज, बसंत, वेरी गुड गाइस। अभी क्या लिखा है, पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद क्या हुआ, ए वीडियो ऑफ क्रोकोडाइल अटैकिंग ए डॉग हैज गोन वायरल, कि वायरल हो गया और कोजिंग पीपल टू पैनिक फर्दर, और लोग और ज्यादा डर गए उसके बाद ना। द ऑथोरिटीज हैव अनाउंस, कि ऑथोरिटीज ने अनाउंस किया है, कि ऑथोरिटीज ने क्या अनाउंस किया है, That more crocodiles would be sighted once the waters recede, कि और क्रोकोडाइल भी दिखेंगे जब पानी कम हो जाएगा। तो देखो ये जो वर्ड होता है अपने पास recede, recede का मतलब होता है कम हो जाना, और इसके लिए आप देखते हो कि recede शब्द का यूज करते हैं, subside वर्ड का हम लोग यूज करते हैं पानी के कम होने के लिए, और साथ ही साथ abate भी हम लोग यूज करते हैं, कि इन तीनों का मतलब होता है बाढ़ का पानी जो कम हो जाता है उसके लिए या फिर टेंशन कम हो जाए उसके लिए। और डी में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, After the monsoon delays, delays होता है floods को हम लोग बोलते हैं, जो flood बाढ़ आ जाती है उसके लिए हम लोग use करते हैं। और एक शब्द और होता है inundate, तो inundate का मतलब भी अपने पास flood ही होता है। The forest department of Vadodara has so far rescued 3 crocodiles, कि 3 crocodile उन्होंने बचा लिए, which had swum into residential areas, और जो तैर के residential areas में चले गए थे। तो अब आप यहाँ पे आप देखो कि ये जो है, सबसे पहले हम लोग ये डी ऑप्शन आंसर करेंगे, क्यों इसको चूज करेंगे, कि 3 crocodile मिले हैं वहां पे और उनमें से 1 crocodile तो उसकी उम्र 6 साल पुरानी है, तो 1 crocodile ऐसा है। और फिर यहाँ पे ऑथोरिटी ने बताया कि पानी कम होगा तो और क्रोकोडाइल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ये जो बात अनाउंसमेंट हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये अनाउंस किया है इन्होंने, और ये अनाउंसमेंट के बाद, तो सी और बी का अपने पास लिंक है और डी के बाद हम लोग ए का यूज करेंगे, तो डी ए सी भी हो जाएगा। आप इसमें ये भी देखोगे कि ये जो बात उन्होंने अनाउंस करने के बाद, तो डी सबसे पहले होगा। ओके गुड, तो चलिए हम लोग और सवाल करते हैं यहाँ पे, 2-3 सवाल और करते हैं।
हाँ, एंड आई थिंक ये आप बहुत क्विकली आप कर पाओगे 124। ओके तो देखो यहाँ पे जो आंसर होगा इसमें वेरी गुड, काफी लोगों ने किया यहाँ पे ए ऑप्शन आंसर होगा। क्यों होगा इसमें? देखो दिस कैट, तो आपको ये पता है कि दिस बिग कैट, यहाँ पे एक लिंक अपने पास दिया है और ये इसमें कोई लिंक नहीं दिया, ये पहला सेंटेंस होगा। ही यहाँ पे रेफर कर रहा है कि टाइगर को, है ना, और उसके बाद ये जो टाइगर है ये स्टोरी जो लिखा है ये स्टोरी यहाँ पे रेफर कर रही है इस बुक को। तो आप यहाँ पे सीक्वेंस देख सकते हो कि बी और डी सी और फिर ए हो जाएगा यहाँ पे, कि ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है, हैविंग सोल्ड 5 मिलियन कॉपीज, ये किताब है जिसकी 5 मिलियन कॉपी बिकी है। अरे वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं, इसमें एक सवाल और करते हैं यहाँ पे और ये आखिरी सवाल होगा, तो इसको कोशिश करो आप लोग सही करते हो, कुछ गलत नहीं होता है इसमें। वेरी वेरी गुड, हाँ सही है, ए ऑप्शन आंसर होगा गाइस यहाँ पे, डी बी ए सी हम लोग यहाँ पे करेंगे इसमें। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि बट ए स्प्रिग, बट दिया है इसमें द ओरिजिनल ट्री, तो यहाँ पे द ओरिजिनल ट्री आप लोगों को कई बार ये भी मिल जाएगा, द ओरिजिनल ट्री, एक पेड़ की बात हो रही है। और देखो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो इसमें ए ट्री लिखा है और एक सेंटेंस में द ट्री लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे ये हमेशा होता है कि द ट्री बाद में आएगा, जब अननोन होती है चीजें तब हम लोग पहले यूज करते हैं ए ट्री और फिर दैट ट्री, ये यहां से आप सीख सकते हो। दैट स्प्रिग जो है इसको रेफर कर रहा है इसमें, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, डी बी ए सी। ओके और चलिए गाइस हम लोग यहाँ पे, अभी आप लोगों ने अगर देखा हो अनअकैडमी ने पहला अपना एड लॉन्च किया है और उसमें एसएससी सीजीएल के लिए या फिर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो और टैगलाइन भी ये है कि लेट्स क्रैक इट, है ना, तो चलिए ये वाला जो काम है हम लोग इसको पूरा करते हैं, काफी अच्छी टैगलाइन ये है। और आप लोग भी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो, और प्लस प्लेटफॉर्म की जो सबसे अच्छी बातें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये होता है कि आपको पूरा शेड्यूल मिलता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि कोई भी क्लास मिस नहीं होती है, मतलब आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो रिकॉर्डेड आप देख सकते हो उसके बाद। तीसरे नंबर पे है कि क्विजेज वहां पे होती हैं, रेगुलर होती हैं, पीडीएफ आपको मिलती है। और चौथे नंबर पे अपने पास हो जाएगा कि डाउट क्लियरिंग होता है, ये सबसे जरूरी है। और आप लोग देखोगे कि आज की जो क्लास है हम लोगों ने यहाँ पे एटलीस्ट हम लोगों ने 12 सवाल सोल्व किए। आप कोई भी ऑफलाइन क्लास में जाओगे तो आप 12 सवाल सोल्व होते ही नहीं है इस तरह से ना, कभी कोई बोलना शुरू कर देता है, कभी वो कोई बोलना शुरू कर देता है, 3 या 4 क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 गुना ज्यादा एक तरह से वो रहती है, स्पीड रहती है, प्लस डाउट क्लियरिंग, आप अपने डाउट पूछ सकते हो तुरंत, 100% डाउट क्लियरिंग आप लोगों को मिलेगी। चीजें क्लासेस शेड्यूल से होती है। पांचवा क्या होगा, काफी अफोर्डेबल है ये, जो भी आप यहाँ पे कोर्स बाई करोगे काफी अफोर्डेबल है। जैसे 3 मंथ्स के लिए आप बाई करते हो तो 2700 आपको पे करना होगा, और आप आपको 10% जो डिस्काउंट मिलेगा वो कोड से मिलता है। मैं यहाँ पे मेरा कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी घुमंश,
और क्या होगा इसमें, आपको 2700 में आप ऐसा नहीं है कि केवल आप इंग्लिश की क्लास लोगे, इस 2700 में आप मैथ्स और जीके ये सब भी आप पढ़ सकते हो, जीके रीजनिंग आप पढ़ सकते हो, और आपको कंप्लीट बैच भी मिलेगा। तो आपको पूरा बैच भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और इंग्लिश में भी आप जितनी फैकल्टीज है सबसे पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उनको। तो काफी वैरायटी है यहाँ पे अनअकैडमी पे आप अगर ज्वाइन करते हो, और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आती है बच्चों को। आप कम इंटरनेट में भी आप क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं, डाउट आप पूछ सकते हैं, और आप लोगों को जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इस चैनल को भी आपको लाइक शेयर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद ये होगा कि बाकी क्लासेस भी यहाँ पे सारे दिन होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी का जो सेशन है अभी इसको इतना ही रखेंगे, आप लोगों को जो कुछ डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। हाँ, वो डेली प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी पे भी अपलोड होता है, और आप अगर मेरे चैनल से जुड़ते हो तो वहां पे भी, आप अनअकैडमी पे बाई करोगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी उसमें ना बसंत। हाँ, मेरा सारा मटेरियल आप वहां पे देख सकते हो, आप मुझे मैसेज कैसे करें। हाँ, वो तो शशि अपना टेलीग्राम चैनल से आप कर सकते हो, सेंक्टम इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल जो है उसमें ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आप भेज सकते हो, है ना। ओके, चलिए गाइस अभी क्लास हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट। कल फिर क्लास होगी 11 बजे, और 11 बजे होगी। आज शाम को स्पेशल क्लासेस भी हैं, 8 PM पे आप स्पेशल क्लास आप ले सकते हो, 9:30 PM पे आप स्पेशल क्लास आप ले सकते हो। हम इसी तरह से पुराने पेपर्स उसमें डिस्कस करेंगे। आज का जो पेपर था वो भी पुराना पेपर था, आप लोगों ने काफी अच्छा किया, CGL 18 मेंस का एग्जाम में पूछा गया था ये। अभी जो फ्री वाले जो लेसन है उसमें सब में प्रैक्टिस हो रही है। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, सी यू सून।